पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल प्रदेश को महत्व देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी को उपहार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह हिमाचल की कांगड़ा चाय शहद शॉल और ब्रेसलेट उपहार में दिए, ये उनका राज्य के प्रति प्यार को दर्शाता है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि ये प्रधानमंत्री का हिमाचल के उत्पादों को विश्व बाजार में महत्व देने का बहुत बढ़िया और व्यक्तिगत प्रयास है, जिसके लिए राज्य उनका सदा आभारी रहेगा। उन्होंने रेल विस्तार और हवाई सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों को सराहा। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली बिलासपुर मंडी कुल्लू मनाली व लेह रेलवे लाइन देश की सुरक्षा और पर्यटन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सांसद मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर लेह तक रेल मार्ग का मामला उठाया है। प्रधानमंत्री गत 20 अप्रैल को जब शिमला आए थे तो न केवल हिमाचल प्रदेश के वर्षों से लटके हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास किया अपितु सारे देश के आम नागरिकों के लिए हवाई उड़ान 1500 रुपए से 2000 रुपए में उपलब्ध करवाने का पुण्य कार्य भी शिमला में प्रारंभ किया था। यह भी प्रधानमंत्री के हिमाचल प्रदेश के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन के निर्णय का भी सबसे ज्यादा लाभ हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को पहुंचाया। इसी तरह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 63 राष्ट्रीय उच्च मार्ग 4 फोरलेन और 6 ओवरब्रिज देकर राज्य के लोगों के हितों का ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कई योजनाएं हिमाचल के किसान बागवान को प्रदान की है, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शामिल है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, जिससे विकास की गति और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केशनाथ।